फ्रेंड्स, बारिश का मौसम हमें मई और जून की तपती गर्मी से राहत तो जरूर देता है, लेकिन अपने साथ लाता है एक वेव ऑफ इन्फेक्शंस। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव लिस्ट आज आपको कुछ मॉनसून डिसीजेस के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कुछ आसान टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, मॉनसून को कहते हैं सीजन ऑफ फ्लू। बारिश के सीजन में तीन मेन कारण होते हैं जिसके वजह से कई बार बैक्टीरिया और वायरसेस प्रोलिफरेट हो जाते हैं और ऐसे कई इन्फेक्शन फैलने लगते हैं जो कि रूटीन सीजन्स पे नहीं फैलते। ये तीन कारण हैं ह्यूमिडिटी, गीली मिट्टी और रुका हुआ पानी। डिस्कशन को आसान बनाने के लिए मैं मॉनसून डिसीजेस को तीन पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहली होती है एयरबोन डिसीजेस, वो बीमारियाँ जो हवा के थ्रू फैलती हैं। दूसरी होती हैं फूड एंड वाटरबोन डिसीजेस, वो बीमारियाँ जो खाने और पानी से फैलती हैं। और तीसरी होती हैं मस्कीटोबोन डिसीजेस, वो बीमारियाँ जो मच्छर के काटने से फैलती हैं। एयरबोन डिसीजेस में नाम आता है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और इवन कोविड का। एयरबोन डिसीजेस को अगर हमें फैलने से बचाना है तो कुछ स्पेसिफिक टिप्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अपने माउथ और नोज को स्नीजिंग और कॉफिंग के टाइम हमेशा कवर करके रखें। अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को सभी इन्फेक्टेड लोगों से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखें। बाहर से घर पर आने के बाद अपने हाथ और पैरों को अच्छी तरीके से धो लें। जितना पॉसिबल है अपने घर को अच्छी तरीके से वेल वेंटिलेटेड रखें और वैक्सीन शॉट्स जो भी आपकी एज के हिसाब से रिकमेंडेड है वो ज़रूर लें। फूड एंड वाटरबोन डिसीजेस में कॉमनली देखा जाता है वायरल डायरिया, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, लेप्टोस्पायरोसिस और कुछ रेयर केसेस में देखा जाता है कॉलरा। हमेशा साफ और सुरक्षित पानी पिए, फिल्टर वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें या अगर पॉसिबल हो तो कम से कम पानी को बॉइल कर लें। हमेशा ध्यान रखें कि घर आए हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से वॉश करें और उसी के बाद उसका कंजम्पशन करें। एंश्योर करें कि आपकी लोकेलिटी के जो भी ड्रेन्स हैं वो एज फार एज पॉसिबल कवर्ड हो। पोटेंशियली इन्फेक्टेड एनिमल्स से बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट न रखें। गंदे मटमैले पानी में कभी भी स्विमिंग न करें क्योंकि ऐसे पानी में एनिमल यूरिन के थ्रू इन्फेक्शन फैल सकते हैं। मॉस्किटोबोन डिसीजेस में नाम आता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का। मॉस्किटोबोन डिसीजेस से बचने के लिए कुछ आसान टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट टिप है वाटर स्टैग्नेशन को घर और घर के आसपास किसी भी कीमत पर नहीं होने दें। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करें। हाइजीन मेंटेन करते हुए बाथरूम्स को रेगुलर बेसिस पर क्लीन करें। मॉस्किटो बाइट प्रिवेंट करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करना जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट टिप है यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है ऐसे कपड़े पहने सो देट हमारा स्किन एक्सपोजर कम हो और मॉस्किटो बाइट होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बात हो गई स्पेसिफिक टिप्स के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ जनरल टिप्स जिनका इस्तेमाल करके हम मॉनसून डिसीजेस से दूर रह सकते हैं। पहला जनरल टिप है जब भी घर से बाहर निकले रेनकोट या छाता अपने साथ अवश्य कैरी करें और हमेशा रेनी शूज का इस्तेमाल करें। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है एडिक्वेट मात्रा में पानी पिए। बारिश के वक्त टेम्परेचर की वजह से कई बार हमें प्यास नहीं लगती, बट वी हैव टू मेक अ कॉन्शियस अटेम्प्ट कि एडिक्वेट अमाउंट में पानी पिए सो दैट हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स क्लियर हो सकें। अगर हम बारिश में भीग गए हों तो घर आकर ल्यूकवॉर्म या गर्म पानी से स्नान कर लें क्योंकि ये छोटा सा एक्ट हमें काफ़ी इन्फेक्शन से बचा सकता है। इसके इमीडिएटली बाद साफ और सूखे कपड़े पहनकर कुछ गर्म चीज़ का सेवन करें जैसे कि सूप या हल्दी का दूध। बारिश के वक्त फ्रेंड्स सभी को चटपटे खाने का बहुत मन करता है, लेकिन बाहर का खाना स्पेशली ठेले के खाने को अवॉइड करें। हमेशा हेल्दी और हाइजेनिक फूड का ही कंजम्पशन करें सो दैट अपने आप को इन्फेक्शन होने से बचा सके। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और हर्बल चाय का इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट हमारे बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन्स और विटामिन्स मिल सके। एक्सरसाइज करना न भूलें। बारिश के वक्त बाहर जाकर फिजिकल एक्टिविटी करना मुश्किल होता है, लेकिन घर पर ही योगा, स्किपिंग, स्पॉट वॉकिंग जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन सभी बताई गई टिप्स का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन बाय एनी चांस कोई भी बीमारी का कोई भी सिम्टम अपीयर होने पर सेल्फ डायग्नोज न करें
और ओवर द काउंटर मेडिसिन से सेल्फ मेडिकेट भी न करें। कोई भी सिम्टम्स अपीयर होने पर अपने नियरेस्ट ट्रीटिंग डॉक्टर को जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना न भूलें, सो दैट हमारे बनाए हुए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। फ्रेंड्स, कहते हैं लाइफ इजंट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास, इनफैक्ट इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू डांस इन द रेन। विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी रेनी सीजन।